गाइस ये है नॉर्मल 3x3 रूबिक्स क्यूब, और इसके अलावा हमारे पास आ चुका है कार्बन कोटिंग 3x3 रूबिक्स क्यूब। अब कार्बन कोटिंग आखिर होता क्या है? ऑब्वियसली आपने थंबनेल में देखकर ठीक है इसका ही लिया होगा, लेकिन आज उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फटाफट पहले उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास आ चुका है कार्बन कोटिंग 3x3 रूबिक्स क्यूब। अब यह हमें मिलता है कि क्या कहाँ से, मतलब कि ये ब्रांड कौन सा है? अब अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, मुझे तो ये इसका प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। जे ब्ला 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 जो भी हो क्यूब, फटाफट इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। नहीं, मुझे इसको नीचे से ओपन करना चाहिए क्योंकि अगर बॉक्स फट जाता है ना मेरा, अब क्या ही बताओ, दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि लॉन्ग वीडियो बनाने के बाद इसका शॉर्ट वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और आता है। गाइस आप शायद आपने देख करके गेस कर लिया होगा, मैं आपको इसको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा नॉर्मल साइज का 3x3 रूबिक क्यूब और ये रहा कार्बन कोटिंग रूबिक क्यूब। तो आखिर इसमें डिफरेंट क्या है? तो अगर कोई डिफरेंट नहीं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, हाँ साइज में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ये कार्बन कोटिंग वाला है जो वो 3x3 से थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, जैसे कि आप भी देख सकते हो। हाँ, अब इसमें डिफरेंट क्या है भाई? कोई डिफरेंट नहीं है। आप देख सकते हो इसकी कलर स्किन बिल्कुल डार्क येलो है, लेकिन इसकी भी कलर स्किन येलो है, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं कैसे कार्बन की तरह कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं, जैसे कि हर तरफ से आप देख सकते हो, रेड पे भी है, व्हाइट पे भी, मतलब इसको साइड करते देखा, आप हर तरफ से देख सकते हो उस पर कार्बन की तरह कुछ लेयर, मतलब कुछ स्टिकर्स लगे हुए इसकी, मतलब स्टिकर आखिर होते क्यों है? तो ग्रिप बनाने के लिए, जैसे कि नॉर्मल 3x3 को पकड़ने में आप शायद ही आपके हाथ स्लिप होते होंगे जैसे कि घुमाते वक्त, लेकिन इसका फायदा यह होता है कि इसको हम रोटेट करते तो हाथ स्लिप, मतलब फिंगर स्लिप नहीं होती, बस ये इसका एक फायदा होता है। तो इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करके, स्क्रैम्बल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखने में तो काफी कूल लग रहा है और हाथ भी बड़े आसानी से आ रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा छोटू सा नजर आ रहा है। ये 3x3 से आपको दिखा चुका था, थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है। इससे पहले हमारे पास मोयो का 3x3, उसको भी कंपेयर करके देख लेते हैं, उससे भी ये थोड़ा सा, मतलब लिटरली हल्का सा छोटा नजर आ रहा है। तो खैर इसको स्क्रैम्बल करते हो सॉल्व करने की कोशिश करते। टर्निंग की बात की जाए तो कंप्लेंट की कोई बात ही नहीं, इतनी स्मूथ की मैं आपको क्या बताऊं। आई होप कि ठीक ठाक स्क्रैम्बल हो चुका है। अब आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि मैंने कार्बन कोटिंग वाले 3x3 रूबिक्स को पहली बार अपने हाथ में पकड़े। अब नॉर्मल 3x3 को सॉल्व करते हैं, हम क्या देखते हैं भाई? कलर स्किन, लेकिन इसकी कलर स्किन हमें ऊपर से तो बिल्कुल ब्लैक नजर आ रही है, बस इसके मतलब कि साइड, मतलब क्या बोलिए, इसको सेंटर छोड़ के इसको कॉर्नर देखना पड़ेगा, तब इसकी कलर स्किन हमें ठीक से नजर आएगी। जैसे कि हम हमेशा की तरह व्हाइट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ ओके, 1 2 3 गो। आपको सच क्या बताओ यार, इसके कलर स्किन पहचाने में इतनी दिक्कत आ रही कि मुझे सॉल्व करने में, मुझे नॉर्मल 3x3 सॉल्व करने में 35 या 40 सेकंड लग जाते, लेकिन ये सॉल्व करने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया यार, आपको क्या बताऊं। बस मुश्किल ये हो रही है कि इसकी कलर स्किन गेस करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। इस पे चेकरबोर्ड पैटर्न बनाने का ट्राई करते हैं, इस पे कुछ खास नजर नहीं आ रहा, जैसे कि हम नॉर्मल 3x3 पे ट्राई करके दिखाता हूं आपको। ये रहा नॉर्मल 3x3 में चेकर बोर्ड पैटर्न और ये रहा कार्बन कोटिंग वाले में चेकर बोर्ड पैटर्न। आप डिफरेंट बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो यार, मतलब ये हमें किसी काम का ही नहीं, जैसे कि बस इसलिए कि हाँ ये ग्रिस की ग्रिप हमें बिल्कुल ठीक से पकड़ में आती है, लेकिन
उसके अलावा हमें तो मतलब किस परेशानी से के साथ सॉल्व करना पड़ रहा है यार, मतलब लेके ना लेके कुछ खरीदते कुछ फायदा ही नहीं। हाँ बस हमारी क्यूब कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक बढ़ सकता है बस इसीलिए, लेकिन यार बिल्कुल मतलब अगर आप ना खरीदो तो ही बेहतर है। मैंने बस इसीलिए खरीदा, मैं इसको देख कर ट्रायल करके टेस्ट करके देखना चाहता था कि आखिर इसका फायदा क्या है, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं है। बस हाँ अगर आपको ग्रिप अपनी पकड़ बनानी है तो फिर आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि कलर स्किन पहचानने में बहुत मुश्किल आएगी यार आपको। आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दोनों में डिफरेंट देख सकते हो, कलर स्किन का भी डिफरेंट देख सकते हो बस। और क्या, और कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं किसी वीडियो में।